बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं मकई के आटे की रोटी की चूरी। तो बड़ी ही मज़ेदार सी और ये बहुत ही ताकतवर वाली होती है, तो बच्चों को दें तो बड़े ही मज़े से खाएंगे बच्चे। तो ये सुबह में नाश्ते में हेल्दी होती है। तो चलिए हम लोग जो है आज मकई के आटे की चूरी बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाते हैं स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने मकई का आटा ले लिया और मैं बिल्कुल खाली मकई के आटे की बनाने वाली, इसमें मैं कोई और आटा ऐड नहीं करूँगी। तो इस तरह से हम लोग उसे अच्छे से छान लेंगे। और तकरीबन मैंने जो है ये 1.5 कप लेना है मकई के आटे का। जी, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। मकई के आटे में अंडा ऐड करें तो बिल्कुल भी रोटी जो है वो ख़राब नहीं होती और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, क्रिस्पी सी। और इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। पानी जो है मैंने 1 कप लिया है, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा लेंगे इसमें। और पानी जो है हमने थोड़ा सा गर्म करना है, गुनगुना सा से आटा जो है बहुत ही अच्छे से गूंथता है। तो चलिए मैं आटा जो अच्छे से गूंद लेती हूँ। इस तरह से आप जब आटे को गूंदें मकई के, तो इस तरह से आप हाथ से मसलें लाजमी। ये देखिए, इस तरह से आप हाथ से इसे मसलना है आपने थोड़ा सा। तो मेरा आटा मुकम्मल गूंद जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, और घी मैं ऐड करने वाली देसी, क्योंकि जो ये चूरी वगैरह होती है ये देसी घी की ही अच्छी लगती है, दूसरे घी की नहीं। तो थोड़ा सा देसी घी हम लोग ऐड करेंगे, और इस तरह से इसको हाथ की मदद से मसलने के बाद हम लोग आटे का पेड़ा बना लेंगे। तो देसी घी जो है मैं अपने तवे पर लगा लूँगी, और जिस तरह भी आपको कम्फर्टेबल लगे आप बेल सकते हैं तो बेलें। बट इसमें कोई और आटा ऐड नहीं किया, तो इसे आप हाथ में रखेंगे। बिल्कुल छोटी से साइज़ में हम लोग जो है रोटी बना लेंगे अपनी। और मैंने इसमें किसी भी किस्म का मीठा नमकीन ऐड नहीं किया। तो अगर आप चूरी नहीं बनाना चाहते, आप इस तरह से बिल्कुल सिंपल किसी भी सालन वगैरह के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से उसका कितना खूबसूरत सा कलर आया। और हम इसे पकाने ही देसी घी में वाले हैं। जी, ऑलमोस्ट मेरी रोटी तैयार होने वाली है। इसको मैं आपकी साइड चेंज करवा करके दिखाती हूँ। ये देखिए जरा इसकी साइड चेंज हुई है, कितना खूबसूरत का कलर आ गया। तो दोनों साइड्स को इसी तरह से हम लोगों ने अच्छे से गोल्डन सा रेडिश सा कलर दे लेना, और फिर इसको उतार कर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक खुला बर्तन लेंगे, उसमें हम लोग जो रोटियां बनाई हैं वो थोड़ी सी ठंडा होने का मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल ठंडा कर देना, हल्का सा गर्म हो, और क्योंकि ताकि आप जब चूरी बनाएं तो आपका हाथ वगैरह ना जले। तो एक खुले बर्तन में आप ले लें इस तरह से रोटियां। तो मैंने तकरीबन 2 रोटियां बनाई हैं इस तरह से। और इसमें हम लोग ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी जो है ये आपकी मर्ज़ी है, आप कितना ऐड करना चाहते हैं। अगर आप शौक से खाते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, इन्हें नॉर्मल भी रख सकते हैं। और दोनों हाथों से इस तरह से हम लोग रोटी को बिल्कुल छोटे छोटे से बारीक से पीसेस में कर लेंगे। और थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे चीनी टेस्ट अकॉर्डिंग। तो देखा कितनी जल्दी से ये हमारी मकई के आटे की जो है चूरी तैयार हो जाती है, और बड़ी मज़ेदार सी हेल्दी सी है, नाश्ता भी और आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी है। तो चलिए डिश आउट करते हैं। अब चाय के साथ सुबह सुबह नाश्ते में खाएं तो बहुत ही मज़ा और हेल्दी सी है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।